दो घंटे बाद ये बोलेगा नहीं, सुन पड़ा रहेगा। ये तैयारी चल रही है इसकी। देखा इस टाइम पे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था यूं कि भाई डॉक्टर ने बोला नॉर्मल सर्जरी बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, मैंने सोचा हो कुछ बेहोश हो जाऊंगा, हो जाए मस्त एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद हाय एनी ब्रो, देखो भाई को मतलब कि रस्सा जल गया बट बल नहीं गया, अभी तक बल अभी भी है। ऐसे वीडियो ऐसे बनाओ, नशे में था फुल, एनेस्थीसिया दे रखा था जनरल एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए, माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था, सब सुन था पूरा, मैं आंखें भी बहुत मुश्किल से खुली थी, पूरी लाल लाल हो रखी थी, बट मैं बोल रहा था ऐसे करो कैमरे को व्लॉग ऐसे बनाते हैं। देखा कैसे अल्लाह तोड़ गई थी, अभी आगे और देखो आगे बोल। भाई कुछ भी हो, सुन पड़े रहने के बाद इधर उधर घूमने का मजा तो है भाई, ये दोनों मुझे ऐसे लेके घूम रहे थे, आए हाय मजा मजा मजा। कैसा लग रहा है? ऑपरेशन होने के बाद हनुमान का नाक हो गया, सुसु करने जा रहा भाई, अब इससे आगे नहीं ले जा सकता। भाई अगर राज को थोड़ा रोको ना तो ये सब कुछ बता देता है, सब कुछ इसका ऐसा ही है भाई, रोको मत चलता जाएगा, रोक दो तो रुक जाएगा। भाई कसम इस टाइम भी मेरी हालत ऐसी थी ना, टाइट फुल एकदम, पूछो मत, दर्द तो नहीं हो रहा था क्योंकि मैं सुन था पूरा। और इसके बाद जो हुआ, मम्मा और भाई मिलने आए थे, मैं इनको बता रहा था कि मेरे नाक में पहले तो ऐसे पट्टियाँ डाली कैंचियों से और फिर मुझे बेहोश कर दिया था। और क्या हाल चाल? भाई का नाक कैसा हो गया पता है? जोकर के जैसे खराब हो गया भाई। अब तो ठीक है ना तबीयत? ठीक है भाई, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है अभी। कोई ना यार, होता है, कल तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल, क्यों अभी नॉर्मल हो गया है, परसों वापस ये हट जाएगा। हाँ फिर वापस रोज व्लॉग आएगा आपके लिए। बोलने में बहुत अच्छा लग रहा था कि डेली व्लॉग आएगा वापस, बट मेरी हालत उस टाइम तो मतलब ऐसा था, मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था क्योंकि वो फर्स्ट दिन ही था ऑपरेशन, सुबह हुआ शाम को मर्जे, धीरे धीरे नशा ख़त्म हो रहा था एनेस्थीसिया का, तो नॉर्मली फील हो रहा था, टेबलेट भी ली थी, बोतलें चल रही थी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। बट जो अगले दिन हालत ख़राब हुई मेरी भाई कसम, एक तो दर्द, तो दर्द के ऊपर कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, पूरे दिन पड़े रहना, मेरी कमर इतनी खतरनाक दर्द होने लग गई थी भाई कसम। आगे देखो अभी तो, और देखो देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, आज सब में सब ठीक हो चुके हैं, आज मेरी आँखों में पट्टी, सॉरी आँखों में पट्टी लगी हुई है और मेरा दिमाग सुंदर हो रहा है, सुनाई दे रहा भी दे रहा है आपको पता भी पड़ता है। अच्छा बैकअप करती है, सोने का फुल प्रेयर चल रहा है, ये पट्टी सुबह तो खुल जाएगी और अब रवाना हो जाएगी घर पर, ये सेकंड दिन की क्लिप थी। इसमें भी मेरा दवाइयों का नशा अभी तक पूरा उतरा नहीं था, जिसमें मैं क्या बोल रहा था आँखों की पट्टी बंदी है, नाक पे बंदी थी हुई थी, और उस टाइम भी मैं ऐसा था कि हाँ नॉर्मल नॉर्मल, अगले दिन सुबह पट्टी हटनी थी हटी, उसकी क्लिप कोई बना नहीं पाए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पट्टी कैसे हटी मैं सब बताता हूँ आपको, मेरे को लेके गए चेंजिंग रूम में, और मतलब वो है ना, मतलब एक रूम होता है पूरे वार्ड में जिसमें मतलब किया जाता है नॉर्मल सर्जिकल वो होता है, तो उसमें लेके गए पट्टी हटाई, और भाई कसम मेरे जो अंदर से पट्टियाँ निकाली नाक में से भाई, वो दर्द में जो सहा है मैंने, जो ऑपरेशन में दर्द नहीं हुआ, जो पहले
कभी दर्द नहीं हुआ ऐसा, मेरा जिंदगी में पहला ऐसा भयानक दर्द था, वो भी नाक के अंदर से पूरा सर फट रहा था मेरा, पूरा सर भाई कसम। वो दर्द झेलने के बाद मेरे नाक में खून भी आ रहे हैं और दवाई डाली जा रही है। दवाई डालने के बाद उसको मतलब एक ऐसी दवाई होती है उसको नाक में डालते वो गटक जाओ, और इतना भयंकर। उसके बाद भी उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने वहाँ पर सफाई नाक अंदर से मतलब ब्लड की सफाई करने के लिए, इतना बड़ा था कुछ वो मशीन का वो लोहाई का होता है वो डाल के उस पर सफाई की, उसने फिर दवाई लगाई वो किया। बहुत इरिटेटिंग था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, इतना दर्द हुआ। मेरे साथ में एक था उनका ऑपरेशन हुआ, उनके ब्लडिंग रुकी नहीं, उनको 2 दिन के लिए और भर्ती कर लिया गया था। मेरे से पहले उनका हुआ था, उनको देख के मेरी और हालत टाइट हो गई कि भाई अगर मेरे साथ होगा तो मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा भाई ये, क्योंकि मैं ये इतना दर्द सहन किया ना मैंने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, दर्द सहन करना बहुत बड़ी बात है। तो भी हो चुका है, अभी नॉर्मल हो चुका हूँ वापस मैं, मतलब नॉर्मल तो क्या हुआ, अभी 25 को मेरे को वापस जाना है चेकअप करवाने के लिए, नॉर्मल चेकअप कराने के लिए। अभी ठीक ठाक है, आराम से मस्त नहा धो के पड़े हैं भाई। अभी घर जाते वक्त की दे देख लो मेरी हालत। हेलो गाइस, चेहरा पे बिल्कुल मत जाना भाई, चेहरा बहुत आवाज आ रही होगी। हाँ हमारी है, क्योंकि पहले हॉर्न की आवाज आ रही है। ये देख लीजिए गाइस व्यू, क्या व्यू आ रहा है भाई रास्ते का। बारिश के मौसम में ऑपरेशन करा के वापिस घर की तरफ भाई। तो गाइज ये तो था मेरी पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, पूरी ए टू जेड। और अब इस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण भी जान लीजिए इस क्लिप में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी सर्जरी किस कारण से हुई है। तो गाइज मेरे एक साइड का लेफ्ट साइड का नाक पूरा ब्लॉक हो चुका था, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया, डॉक्टर ने बोला कि आपका एक साइड का ब्लॉक हो गया है नाक पूरा, एकदम ऐसे स्पेस होता है बीच में वो पूरा एकदम क्लोज हो गया था सूजन की वजह से, क्योंकि मेरे एक साइड की नाक की हड्डी थोड़ी सी साइनस के कारण बढ़ गई थी। तो मुझे पूरा प्रॉपर साइनस नहीं था, साइनस एक इन्फेक्शन होता है जो नाक में सर्दी जुकाम की वजह से हो जाता है। तो गाइस उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर तू मेडिसिन लेगा, मेडिसिन लेने से तू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो बीमारी है जो प्रॉब्लम है तुम्हें वो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये सर्जरी के द्वारा ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता, तुम चाहे लाखों रुपए की दवाई ले लो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो गाइस मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि इसकी ये सर्जरी हम अभी नहीं करवा के बाद में भी करवा सकते क्या। तो डॉक्टर ने मुझे एक ही सजेशन किया दिया कि अगर आप इस सर्जरी को मतलब इस प्रॉब्लम को आप जितना खींचोगे उतना खींच जाएगी। अभी जब भी नॉर्मल प्रॉब्लम है 2 साल तक ये नॉर्मल प्रॉब्लम चलती रहेगी, बट 2 साल बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इससे अच्छा आप अभी सर्जरी कर लो, ताकि नॉर्मल सर्जरी होकर आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए और आगे दिक्कत ना आए। तो गाइज मैंने भी डिसीजन लिया फिर कि हाँ चलो, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा अभी छोटी प्रॉब्लम फेस करके इस समस्या को ख़त्म करते हैं। तो गाइस डॉक्टर ने तो बिल्कुल नॉर्मल सर्जरी बोला था, बट सर्जरी ऐसी थी भाई कि लग गई थी बहुत बुरी वाली। मेरी सर्जरी हुई बहुत अच्छे से, पहले बोला कि आपकी सर्जरी होगी नॉर्मल होगी, कोई कट वगैरह नहीं लगेगा, बाहर फेस पे कोई निशान नहीं होगा। हाँ आपको दिख रहा होगा कोई निशान तो नहीं है अभी, बट शायद अंदर मुझे लगता है यहाँ पर अंदर एक कट लगाया शायद, क्योंकि मेरे को अभी भी पेन होता है यहाँ पर, अभी भी पेन हो रहा है करंटली में भी। तो हाँ टेबलेट लेने के बाद थोड़ा रिलीफ हो जाता है, बट अभी भी होता है। बट सर्जरी के बाद मुझे जो रिलीफ है ना, मतलब जो सांस ले रहे हैं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम अच्छे से सांस आ रही है, कोई घुटन सी महसूस नहीं होती है, वो सारी प्रॉब्लम फेस करना ख़त्म, मस्त मज़े हो गए मेरे, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होती सांस लेने में, जोरों से सांस लो, मज़े लो, मस्त रहो। तो अगर प्रॉब्लम हो ना तो उसको फेस नहीं करना चाहिए, उसका सोल्यूशन करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहिए, जो मैंने कर दिया। बट ऑपरेशन में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, बेहोश किया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भाई साहब जो हालतें ख़राब हुई भाई, हालतें ख़राब होने के बाद ये वीडियो की क्लिपें मैंने बनाई, थोड़ी बहुत मेहनत की मैंने,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम गाइज़।